हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। हर बार की तरह इस पर भी हम आपके लिए लेकर आए हैं रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन पे, आज हम बात कर रहे हैं CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों आपको जान के खुशी होगी, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज ओपन की गई है CRPF के द्वारा, वो 200 से भी ज़्यादा वैकेंसीज दोस्तों ओपन है। आइए हम उन 200 से ज़्यादा वैकेंसीज के बारे में डिटेल वाइज बात करते हैं। क्या इस वैकेंसीज में क्या पोस्ट है दी जाएंगी आपको, क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगे और आपकी क्या एज लिमिट इस पोस्ट को अप्लाई करने की होंगी और अप्लाई करने का प्रोसीजर, ये सब हम अभी जानते हैं अपने इस आर्टिकल में। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं ये आर्टिकल आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in से देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं पोस्ट के। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पोस्ट अवेलेबल है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो डिपार्टमेंट के लिए और हेड कांस्टेबल इन मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज ओपन की गई हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए और जो कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए हायर्ड होंगे उनकी जो मंथली सैलरी रहेगी वो 81,100 रहेगी। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं बाकी के डिटेल वाइज के पोस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इस पोस्ट को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो 31 मई 2023, यानी कि 31 मई 2023 से पहले पहले आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। और आपको मैं बता दूं जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, उसका उसकी एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होंगी वो होंगी 15 जुलाई 2023। जी हाँ दोस्तों, आज से 2 महीने बाद ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ होगी एग्ज़ाम के लिए, जो कि 15 जुलाई 2023 है। आप अपने कैलेंडर में इसे मार्क करें और इस पेपर को आप ज़रूर दें। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हैं हम किस किस बारे में बात करने वाले हैं। हम पोस्ट नेम जानेंगे, साथ में उसकी वैकेंसीज, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है, एक्सटेंशियल एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड होगा, पे स्केल के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर और अप्लाई करने का प्रोसेस। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें पोस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं डिटेल वाइज पोस्ट किस कैटेगरी में कितनी दी गई हैं। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 21 वैकेंसीज, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेटून डिपार्टमेंट की भी बात कर रहा हूँ मैं। SC को मिलेगा यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट को मिलेगा 4 वैकेंसी, ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलेगा 2 वैकेंसी, जिनकी टोटल वैकेंसी होती हैं 27। हेड कॉन्स्टेबल की बात करें तो अनरिजर्व में होगी 173 वैकेंसीज, फिर SC में होंगी 34 और ST में होंगी 17 वैकेंसीज। ठीक है दोस्तों, और जो आप टोटल देख सकते हैं 2024 वैकेंसी दोस्तों इस पोस्ट में अवेलेबल है। दोस्तों आपको बता दूं इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल रहेंगी वो 2024 वैकेंसी दोस्तों इस पोस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों आगे एज लिमिट के बारे में। देखिए जो मैक्सिमम एज लिमिट रिक्वायर्ड होंगी इस पोस्ट के लिए वो होंगी 40 इयर्स। ठीक है, यानी कि 40 साल की उम्र के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल की उम्र तक के कैंडिडेट्स, ना कि 40 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिस कैंडिडेट्स की एज जो बिलो 40 इयर्स है यानी कि 40 साल से कम है वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, देखिए कैंडिडेट्स हैं मस्ट पास 10+2, यानी कैंडिडेट्स 10+2 इंटरमीडिएट पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और वो भी इंडिया से। एसेंशियल एक्सपीरियंस जानेंगे, देखिए एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट ASI के लिए स्टैंड डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल फॉर सर्विंग पर्सन इन CRPF हेड कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी, हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी, कॉन्स्टेबल ट्रेड और कॉन्स्टेबल ड्राफ्टिंग। देखिए यही एक्सटेंशियल एक्सपीरियंस रहेंगी। SC के लिए यानी कि हेड कॉन्स्टेबल के लिए जनरल ड्यूटी मैनेजर के लिए पोस्ट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूँ, आप ये टेबल हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in के CRPF रिक्रूटमेंट 2023 के आर्टिकल में देख सकते हैं। पे स्केल की बात करें दोस्तों, पे लेवल होगा 4 लेवल होगा हेड कॉन्स्टेबल के लिए और 5 होगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टैंड डिपार्टमेंट के लिए। पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा आपको, अगर डिटेल वाइज बताऊँ तो 29,200 जो कि मिनिमम पे आउट होगा और मैक्सिमम होगा 92,300 का। हेड कॉन्स्टेबल के जो मिनिमम पे आउट होगा 25,500 से लेकर 81,100 जो कि मैक्सिमम पे आउट रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर का मैंने जैसा कि आपको बताया, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टाइपिंग टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप हमारा एक रीड कर सकते हैं एम्स ऋषिकेश रिक्रूटमेंट के बारे में भी, अगर आपको एम्स की रिक्रूटमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा देखिए दोस्तों, देखिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन इनके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा।
लास्ट डेट रहेगी दोस्तों, मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर में 31 मई 2023 अप टू 11:55 PM। ठीक है, आइए दोस्तों एक नज़र इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखते हैं। आपको ये नोटिफिकेशन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के इस आर्टिकल से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्रोवाइडेड है आपको। ठीक है, आप साथ ही साथ इसमें डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन और देख सकते हैं, बाकी हमने आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अपने आर्टिकल के थ्रू आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट से जुड़े खबरें मिलेंगी और आर्टिकल आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रहेंगे, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होंगे, डिटेल वाइज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें एलिजिबल फॉर्म मिलेगा, ये देख सकते हैं नेक्स्ट टू 24 पेज नंबर से यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, आप ये फिलअप करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे CRPF के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही रिक्रूटमेंट से जुड़ी ताज़ा खबर जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, साथ ही साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमें फॉलो कर सकते हैं गूगल न्यूज़ पे। साथ ही साथ दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें हमारे बेल आइकन को, जिससे आपको लेटेस्ट खबर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू सर्टिफाइड कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सर्टिफाइड कोर्स जैसे कि ChatGPT का यूज़ करके आप किस तरीके से अपना 3 घंटे का रोज़ का बचा सकते हैं, जो कि हमारा भी हमारा स्टार्टिंग प्राइस है 499 डिस्काउंट के साथ। 399 में आप सीख सकते हैं ChatGPT से पैसे कैसे कमा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज़ हैं उनसे आप CA से रिलेटेड क्वेरीज जान सकते हैं, जैसे GST के रिफंड्स कैसे, सर्टिफाइड कोर्स, प्रैक्टिकल इनकम टैक्स फाइलिंग, TDS फाइलिंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्स, एक्सेल कोर्स, एक्सेल का बेसिक से लेकर एडवांस और पावर पॉइंट का बेसिक से एडवांस तक का कोर्स हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही रिक्रूटमेंट से जुड़ी खबर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।